हाइस्ट मूवी यानी कि ऐसी मूवी जिनमें चोरी करने के कमाल के तरीके दिखाए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हाइस्ट मूवी को पसंद ना करता हो। तो अगर आप भी हाइस्ट मूवी के शौकीन हैं तो यार फिर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 माइंड ब्लोइंग और दिमाग को हिला देने वाली हाइस्ट मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। हाँ, वैसे ऐसे तरीके आप खुद काम में मत लेना वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारी लिस्ट की पहली फिल्म का नाम है द टाउन। 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बैटमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर बेन एफ्लेक ने। इस फिल्म में लीड रोल भी उन्होंने ही प्ले किया है। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। द टाउन कहानी है एक ऐसे चोर की जो एक बैंक एम्प्लॉय से ही प्यार करने लगता है और अब वो अपने लाइफ की आखिरी चोरी करने वाला है। इस चोरी का मकसद है बदला। द टाउन एक कमाल की हाइस्ट क्राइम फिल्म तो है ही, लेकिन इस फिल्म में कमाल के एक्शन सीन इस फिल्म में चार चांद लगा देते हैं। इस लिस्ट का दूसरा नाम है बेबी ड्राइवर। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एडगर राइट ने। यह सेम डायरेक्टर है जो कि पहले मार्वल की फिल्म द एंड मैन को डायरेक्ट करने वाले थे। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग के बारे में तो इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 92% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। तो दोस्तों बेबी ड्राइवर एक कमाल की एक्शन प्लस हाइस्ट फिल्म है जिसमें आपको कमाल के एक्शन थ्रिल देखने को मिलेंगे। यह फिल्म एक पोस्ट ऑफिस रॉबरी पर बेस्ड कहानी को दिखाती है जो कि अपने कमाल के थ्रिल एक्शन की वजह से और भी ज़्यादा शानदार हो जाती है। ये फिल्म भी हिंदी में है और अगर आपको ये फिल्म देखना है तो कमेंट में जरूर बताना। हमारी लिस्ट का अगला नाम है एंटमैन, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में और इसे डायरेक्ट किया था पैटन रीड ने। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह एंटमैन तो एक सुपर हीरो फिल्म है तो फिर ये इस लिस्ट में क्या कर रही है। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि एंटमैन एक चोर की कहानी है और इसके बाद वो सुपर हीरो बनता है। इस फिल्म का हीरो एक फुल टाइम चोर है और इस फिल्म में उसने एक नहीं बल्कि 3 चोरियां की हैं, वो भी परफेक्ट तरीके से। और एंड गेम में तो उसकी इसी चोरी यानी कि बोले तो टाइम डकैती ने ही पूरा गेम पलट कर रख दिया था। साथ ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी एडगर राइट ने लिखी है जो कि बेबी ड्राइवर जैसी बेस्ट हाइस्ट फिल्म बना चुके हैं। तो हाँ, ये एक सुपर हीरो फिल्म है। अब बात करें इसकी रेटिंग के बारे में तो इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10 की और 92% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। लिस्ट में अगला नाम आता है ओशियन 12। साल 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीवन सोडरबर्ग ने। आज तक जितनी भी हाइस्ट फिल्म बनी है अगर उनमें से टॉप 10 बेस्ट हाइस्ट फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो इस लिस्ट में इस फिल्म का नाम जरूर होगा। ओशन 11 की सीरीज की फिल्मों में यह फिल्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करें इसकी रेटिंग के बारे में तो इसे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 55% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। यह फिल्म हिंदी में है तो इसे एक बार तो देखना बनता है। इस लिस्ट का आखिरी नाम है ओशियन 8। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गैरी रॉस ने। यह एक स्पिन ऑफ फिल्म है ओशियन सोडबर्ग की ओशियन ट्रायोजी फिल्म की। तो इस फिल्म को देखने से पहले वो तीनों फिल्म जरूर देख लेना। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग के बारे में तो इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 की और 82% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। तो दोस्तों ये थी इस लिस्ट की टॉप 5 हॉलीवुड फिल्में। आपने इनमें से कितनी मूवी देखी है और आपकी फेवरेट हॉलीवुड मूवी कौन सी है आप कमेंट में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन पर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।